है ना, ये कैसे आएगा जब एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे, तो इसी में पुट एक्स इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में एक्स की जगह पे वन पुट कर दो, तो क्या होगा जब तुम इधर वन वन पुट करोगे, तो ये 3 × 1 1, 3 × 1 3 − 1 2, 2 की पावर 7 हो जाएगा, और इधर एक्स की जगह पे वन पुट करोगे तो a पावर 7, इधर फिर a पावर 6, फिर a पावर 5, ऐसे ही a पावर 1 प्लस a पावर 0 आ जाएगा। तो यही तुम्हें फाइंड करना था, तो ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी का माइक माइक ऑन है, माइक बंद करो। पॉलिनोमियल का थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल, सर नया चैप्टर का नया चैप्टर अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है, थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर होगा ये, सेकेंड है ना, थर्ड होगा, अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये पॉलिनोमियल ही है जो कर रहे थे हम लोग पहले, वही है ये। जी सर। चार क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, पांच है, पांच क्वेश्चंस हैं इसमें, इन क्वेश्चंस को सभी बच्चे ट्राई करके आंसर निकालो। तो थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख रहे हैं आज, अभी तक हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस किए थे, अभी थोड़ा सा टफ करेंगे। अपनी तरफ से पहले एफर्ट लगा लो, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर आपकी स्क्रीन चली गई, बिल्कुल राइट राइट आ रहा है। अब आ गई, नहीं सर स्क्रीन नहीं आई। विजुअल। हेलो सर, सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही है आवाज। आ रही है अब। यस सर यू आर ऑडिबल। सर हाँ बोलो। एक वैल्यू टू। ए की वैल्यू 2। अच्छा वैल्यू ना सर। बोलो। सर फर्स्ट वाले में भी एक ही वैल्यू निकालनी है ना। हाँ गुड इवनिंग सर। बोलो। गुड इवनिंग। सर मैं अभी पिछले 2 बार से ज्वाइन कर रहा था तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, इस बार आ रही है। सर आपने अभी तक क्या करवाया है?
क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन करने के लिए। ओके सर। देखो जिनके लिए, जिनको नहीं आया समझ में उनको मैं हिंट दे रहा हूँ। पहला जो पॉलिनोमियल है ax+3x²-3, बाकी बच्चे अपना ट्राई करते रहो क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जो है ax+3x²-3, इसको मैंने px नाम दे दिया पॉलिनोमियल। और सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पॉलिनोमियल जो है 2x³-5x+a, उसको gx नाम दे दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x-4 से डिवाइड करने पे r1 और r2 रिमाइंडर्स आ रहे हैं। x-4 से दोनों ही पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पे r1 r2 रिमाइंडर आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि p(4) की जो वैल्यू होगी बच्चों वो r1 के बराबर होगी, और p(4) की वैल्यू r1 के बराबर होगी, और g ऑफ, ये दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स है, तो g(4) की वैल्यू r2 के बराबर होगी। क्योंकि हमें पता है ना कि p(4) रिमाइंडर होता है जब x-4 से हम डिवाइड करते हैं। जब भी हम x-4 से डिवाइड करेंगे तो p(4) रिमाइंडर होता है, और जी एक्स को अगर x-4 से डिवाइड करेंगे तो g(4) रिमाइंडर होगा। तो बेसिकली p(4) की वैल्यू r1 होगी और g(4) की वैल्यू r2 होगी। और p(4) कैसे निकालेंगे, इसमें 4 x की जगह पे 4 पुट करके, x की जगह पे 4 पुट कर दो। x की जगह 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4a+3×4² -3, और यही आपका R1 है। सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 4 4 जा 16 3 जा 4 4 जा 16 16 3 जा 48, और 48 में से 3 माइनस होगा तो 45, तो ये आपका R1 आया। R1 क्या आया, 4a+45। सिमिलरली G4 आपका क्या है, R2। तो G4 अगर R2 है तो G4 निकलेगा कैसे इस पॉलिनोमियल में, देखो ये पॉलिनोमियल जो है G4 GX, उसमें 4 पुट करेंगे तो 2×4³-5×4+a, यही आपका क्या है, R2। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने पे कितना होगा, 4³ होता है 64, और 64² होता है 128 -20+a, ये आपका R2 के बराबर आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 108+a आएगा, ये आपका R2 के बराबर आएगा। अब ये R1 आ गया और ये R2 आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2×R1-R2 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो R1 है क्या, ध्यान से देखो R1 क्या है, दिख रहा है यहाँ पर R1 क्या है, ये रहा R1, 4a+45 है R1। तो R1 की जगह पे बेटा क्या लिख देंगे, 4a+45, और -R2 है, R2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 108-a, और यही 0 के इक्वल होगा। क्यों, R2 108+a है और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 108 भी और a भी। अब फिर इसके बाद 4×2 8a होगा, +2 45 90 होता है, -108 होगा, -a होगा =0। अब 8a है और फिर a है, माइनस करना है 8a में से a, तो कितना बचेगा बेटा, 7a, और ये आपका कितना बचेगा, -20 सॉरी 18 आएगा ना, यस सर। सर 18 सर, मतलब जो आप लिखा है माइनस 108+ है, वो माइनस ए प्लस ए है। प्लस ए कैसे होगा, यहाँ पर देखो ना, ये देखो सर क्योंकि माइनस का साइन है ना। सर प्लस, हाँ तो माइनस का साइन है तो दोनों माइनस होंगे ना, ठीक है सर, दोनों ही माइनस होंगे, ठीक है। सर 2R1 को R2 के बराबर भी तो ले सकते हैं। एक ही बात है, वो तो बात एक ही है, तो बेसिकली तुम्हें तब भी तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड में तो लाना ही पड़ेगा, नहीं
सो ये कितना आ जाएगा इसमें, 18/7 सर। 18 आ जाएगा और जो इक्वल टू आर ये। वन की वैल्यू है वो तो 4a+45 है ना, आपने तो 4a+48 नहीं आएगी। एक मिनट क्या करो, 45 ही तो है ठीक, -3 भी तो है, ये 3 × 4² - 3 ठीक तो लिखा है, 4 4 = 16, 3 = 48, 48 - 3 45 ही तो होता है, तो ये ए की वैल्यू आ गई 18/7। ए की वैल्यू क्या होगी, 18/7 है ना। मैं एक बार ना चेक कर लेता हूँ इसमें कि आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है आंसर देख लेता हूँ एक बार तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। सही है, यही आंसर है, ठीक है यही आंसर दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि जनरली आंसर इंटीजर में आता है, तो मुझे लगा मे बी इंटीजर में आंसर हो, मैं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, यही आंसर है। सेकंड पार्ट करो सभी बच्चे, फर्स्ट पार्ट में किसी को अगर दिक्कत हो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब इसी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट का, उसको सॉल्व करो। सर बोलो बोलो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है a² + a³ - 3a - 2 - b। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चों को भी यस ट्राई सर, मैंने भी करना। कमेंट में लिखा। कमेंट में लिख दिया तुमने आंसर, कमेंट में दिख नहीं रहा मुझे आंसर, सर लिखा है। लिखा है अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी लिखा हुआ है, ये तो बहुत पहले लिख दिया तुमने, a³ + a² - 3a - b - 2। वेरी गुड, चलो ठीक है, अब चेक करेंगे आंसर की आंसर सही है कि नहीं है। देखो जिन बच्चों का नहीं आया है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो कैसे होगा, धीरे धीरे सीखेंगे ना हम लोग। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, रिलेटिवली मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें हमें ना x+1/x दिया हुआ है और x²+1/x³ दिया हुआ है, ध्यान से देखो x²+1/x³ दिया हुआ है, मतलब ये power 2 है, ये power 1/3 है, मतलब सॉरी power 3 है और रेसिप्रोकल में है, हमें निकालना है x³+1/x², ठीक है। तो एक काम करते हैं, x+1/x जो ये दिया हुआ है दोनों का ना, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, x² आएगा, फिर 1/x² आएगा, फिर 2 आएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर। ये समझ में आया सबको, a+b² होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, लेकिन 2ab जब हम निकालेंगे तो 2 × x × 1/x हो जाएगा, तो सिंपलीफाई होकर के 2 बच जाएगा, नहीं a² + b² है ना, a² + b² + 2ab, लेकिन ab तो यहाँ पर x × 1/x है इसलिए कैंसिल होकर के खाली 2 बच जाएगा, तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू, यस x² + 1/x² + 2 की वैल्यू a² के बराबर हो गई। आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 अज्यूम कर सकते हो,
इसके बाद क्या करो, फिर से देखो x प्लस वन बाय एक्स आपका ए है, इसको ना दोनों साइड में क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ए क्यूब, फिर क्या होगा बी क्यूब, फिर क्या होगा थ्री ए स्क्वायर बी, फिर थ्री बी स्क्वायर ए, और दोनों साइड में क्यूब किया इसलिए इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा ए क्यूब, राइट हैंड साइड में क्या होगा ए क्यूब, ए है ना, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ओके अब ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये वन बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, थ्री एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो ये कैंसिल होकर के थ्री एक्स बच जाएगा, और प्लस ये क्या बच जाएगा थ्री बाय एक्स इक्वल टू ए क्यूब। इसको इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। अब ना इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं, वन प्लस टू कर देते हैं, इक्वेशन वन प्लस टू। तो क्या होगा देखना, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंबर बेटा वो पहले लिख देंगे, है ना, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में इधर देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए क्यूब है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पर थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, उसको मैंने थ्री कॉमन लेकर के एक्स प्लस वन बाई एक्स लिख दिया है। एक्चुअली पहले मुझे यहीं पर थ्री टाइम्स लिखना चाहिए था, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो ध्यान से देखना, तुम यहाँ क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब, इन दोनों की वैल्यू का जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब, ये दे रखा है बी, क्या दे रखा है बी, तो इसकी जगह पे बी रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे बी, और प्लस ध्यान से देखना वन बाय एक्स स्क्वायर बच जाएगा और इधर क्या बचेगा ये एक्स क्यूब बच जाएगा, और प्लस ये थ्री टाइम्स ए बच जाएगा। ए क्यों भाई, क्योंकि एक्स प्लस वन बाय एक्स तो क्वेश्चन में ही दे रखा है ए है, और ये टू भी तो बच जाएगा तो टू भी लिख देंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। और फिर फाइनली यहां से देखो, फाइनली फिर एक्स क्यूब प्लस, यहां से मैं इसके बाद इधर नीचे लिख देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सम, समझ नहीं आ रहा ये एंड में क्यों बोला तुमने, एंड में क्यों सर। बोला, एंड में क्या सर नहीं एंड समझ, वाला पार्ट ही समझ नहीं आया सर। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब तक समझ आ गया, उसके बाद नहीं आया। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं जहां कर्सर पे रख रहा हूं तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है, देखो सर उसके ऊपर तक जो एक एक ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है। ए स्क्वायर ए क्यूब तक समझ में आ गया है तुम्हें यहां तक, यस सर। तो उसके बाद तो मैंने बस शिफ्ट किया है ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वन बाय एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बी दे रखा है, जी समझ में आया, दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, जी ऐसे क्वेश्चंस बी जहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मतलब इस तरह के नंबर दिए रहते हैं, वहां पे हमें हाँ क्यूबिंग स्क्वायरिंग करनी होती है बोथ साइड्स पे। हाँ हर एक क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है, इसकी जगह पे ये और ये दोनों मिलाकर के ऐड करके क्वेश्चन में दिया हुआ है बी, देखो ध्यान से, तो ये बी रख दिया इसकी जगह पे, और ये दोनों तो निकालना ही है तुम्हें, इन दोनों का सम निकालना है तुम्हें, इसका और इसका सम निकालना है तुम्हें, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, हो गया खत्म। इसकी जगह पे ये जो रेड पेन से मैंने गोला लगा रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है बी है, तो उसकी जगह पे बी रख दिया मैंने। अब ये दोनों वैल्यू को कुछ छेड़ना नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद क्या है ये थ्री टाइम्स ये एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना है ए है, क्यों एक्स प्लस वन बाय एक्स क्वेश्चन में ए दे रखा है ना, और प्लस टू है, ये प्लस टू है, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस ए क्यू है, तो राइट राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस ए क्यू है। अब बाकी सारे वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा, ठीक है।
100% क्लैरिटी अगर चाहते हो, 100% अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, 100% अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको खुद से एफर्ट लगा के समझना पड़ेगा चीजों को, हार्ड हिट मतलब अपने आप को थोड़ा सा जो है पेन लेना पड़ेगा कि भाई कैसे होता है ये। हालांकि थोड़ा ये इतना आसान है, बोलना आसान होता है कि पेन लेना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, करना जो होता है वो अंदर से ही फीलिंग आती है, अंदर में जिसके फायर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। एक टेररिस्ट होता है ना, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, या जो आर्मी वाले होते हैं उसको बताना नहीं पड़ता, अंदर से एकदम आग रहती है, तो वैसे ही कोई टॉपर जो होता है ना उसको बताना नहीं पड़ता है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के ऐसे बोलने से तो फिर तब तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, टॉपर नहीं बन सकते हो, या टॉपर छोड़ो कुछ अच्छा भी नहीं सीख सकते हो आपको जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तो। और अंदर से फीलिंग कैसे आएगी, इसमें डीपली आप इन्वॉल्व होगे तब तो ये मतलब विशियस सर्कल है एक तरह से, जब आप एफर्ट लगाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो एफर्ट लगाओगे, मतलब ये साइकिल है। इसमें बड़ा डिफिकल्ट है इस चीज से कोई एक इंजेक्शन बनाना कि वो इंजेक्शन लगा दिया और आपको इंटरेस्ट आ गया, तो धीरे धीरे करके एफर्ट लगाओ, मतलब एक एक तरह से ना ये चैलेंज लो, मतलब कि भाई ऐसे कैसे कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये, है ना, अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को टेस्ट करते रहो बार बार, अच्छा मेरे से नहीं होगा ये, मतलब अब अच्छा किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाऊं, नहीं, ठीक है, सिंपल कि भाई मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं करूंगा इसको, करके छोड़ूंगा मैं, तब जाके वो फीलिंग आएगी, तब फाइट करोगे आप, तब लर्निंग आपकी जो है ना वो अच्छी हो पाएगी, अच्छे तरीके से फिर सीख पाओगे। तो ये आप एक बार दोबारा ट्राई करना जिसको नहीं आया है समझ में, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अब जो जितना आपको एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज सफिशियंट, अगर नहीं हुआ है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट नहीं डाला है अभी, तो अगर बेस्ट लर्निंग चाहते हो तो आपको अपनी तरफ से एक बार बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए, और फिर आप हिंट भी ले सकते हो इस सोल्यूशन को देख करके, तो आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे करो, ये सबसे आसान है इन सभी क्वेश्चंस में, 4, 5, 6, 7, 8 में सबसे आसान है। सर डन, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में एक्स प्लस 1/x दे रखा है कितना 3, और आपको x/6 और x/1/x/6 की वैल्यू निकालनी है, तो आई थिंक इसको पहले ना एक काम करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूब भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन क्यूब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, नहीं क्यूब करके भी आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा बेटा, वो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन 2ab मतलब 2 x 1/x, तो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना इस बात को, 2 a * b 2 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x * 1/x तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा फिर, और आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 7 क्यों, क्योंकि 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 9 - 2 7 होता है। इस रिलेशन को ठीक है क्यूब कर दो दोनों साइड में, क्यूबिंग बोथ साइड्स, किसको, इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 कह देते हैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, x/6, x² का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x/6, फिर क्या आएगा, 1/x/6, फिर 3 a * b, आपकी आपके लिए b क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, b है आपका ये 1/x², और a क्या है, x² है वन, ये a, और a + b, यही तो होता है, a³ + b³ + 3a² * 3ab * a² + b² ये भी फार्मूला होता है, और 7 का क्यूब कितना होगा, कोई बताएगा 7 का क्यूब कितना होता है, 343 343 343 343। वेरी गुड, 343, तो इधर देखो ये इससे कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, फिर 3, और ये x² + 1/x² जो है बेटा यहाँ पर इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 7, 3 * 7 हो जाएगा, और ये 343 राइट हैंड साइड में,
तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स पावर सिक्स आपके पास आ जाएगा 343 माइनस 37, नहीं 37 नहीं है, ये 3 इंटू 7 है, कितना है 21। हाँ तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स पावर सिक्स इज इक्वल टू 3 322। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, या है डाउट तो बताओ कहाँ कंफ्यूजन है। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये कैसे सॉल्व किया इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सर ये नहीं, टॉप पे नहीं सर, यहाँ पे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप कौन सा? यही तो कह रहे हो, यही ना, यही कह रहे हो ना सर? इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। यस सर। क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या पूछ रहे हो? तो दूसरी क्लास का बच्चा भी नहीं पूछेगा, मैंने बोला भी था इस टाइम ये टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो सेवन नहीं हो जाएगा, नाइन माइनस टू सेवन। ये सर ये नहीं, ये तो मेरे समझ में आ गया सर, जब हमने बोथ साइड में क्यूबिंग कर दी उसमें। अच्छा क्यूबिंग किया, वो वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। देखो क्यूबिंग मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, इधर करके दिखा देता हूँ और तुम्हारे लिए रफ में करके दिखा देता हूँ। नहीं सर क्यूबिंग भी आ गया, लेकिन क्यूबिंग के अंदर ये पर्टिकुलर नहीं आया जो आपने ये लिख रखा ना, थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब थ्री ए बी जो है उसके बाद जो आता है। सेवन की वैल्यू पुट कर दी ना, वो शायद वो समझ नहीं आ रहे। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी ये होती है, देखो ए प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी मेरे ख्याल से तुमने ये याद कर रखा है शायद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ऐसे तुमने याद कर रखा है। एक आइडेंटिटी और भी होती है ए क्यूब प्लस, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी, थ्री इंटू ए हमारा एक्स स्क्वायर है, ये रहा ए इंटू एक्स स्क्वायर है, बी हमारा वन बाय एक्स स्क्वायर है, तो थ्री इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर अब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो सेवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेवन है, तो सेवन रख दिया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, तो थ्री इंटू सेवन हो गया, 3 into 7, 21. So given x square plus 1 upon x square की value. हाँ ये है ना 7, देखो ना ये देखो ये क्या है यहाँ पर 7 ही तो निकाला हुआ है। अच्छा सर जो पिछली equation थी उसको इसमें put कर दिया। हाँ हाँ सर अब समझ गया। Sixth question हो गया बेटा, अब seventh question करो। ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे मॉड्यूल से लिया हुआ है, ये मॉड्यूल का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है लेवल टू का, ये सारे ही क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल के हैं। एक बार खुद से भी ट्राई करना, नहीं होगा समझ में तो नहीं आएगा समझ में दोबारा भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है लेकिन हाँ एफर्ट लगाना चाहिए अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई सारा कुछ मैं ही एक्सप्लेन कर दूं, तो उससे क्या होगा ना लर्निंग तुम्हारी बहुत स्लो हो जाएगी। जी शान अहमद ने आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स पावर फोर, वेरी गुड। जीशान कैसे किया है एक्सप्लेन करो। ऐसा तो नहीं है आंसर की देख के लिख दिया है।
जिशान अहमद का माइक वर्क नहीं कर रहा है। विनीता खंडेलवाल, बेटा तुम्हारा माइक वर्क कर रहा है? सर कैन आई बोलो। एक्सप्लेन? सर इन दिस वी कैन टेक द फैक्टर्स ऑफ एट विच आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आफ्टर दैट वी कैन डिवाइड इट विद दिस एंड द आंसर विल कम लाइक दिस आल्सो। So what is the factor? What is the factor? First factor, linear factor. What will be the linear factor? How will you decide linear factor? Unlike other polynomials where constant term decide a factor, here you cannot get a linear factor. In fact, the problem here is it doesn't have a linear factor in the form of ax plus b, and that is all the problem. That is the root of problem that makes this problem so difficult. And in your answer, the first factor is x square minus 2x plus 2. How come x square minus x plus 2? Multiply the expression by x cube. It's not permissible. How can you multiply, simply multiply by something which is not there? If you multiply by x cube, then you have to divide it by x cube also. It's not an equation, it's an expression. Aur expression ko hum khali kisi cheez se apne aap multiply nahi kar denge. Agar wo 2x plus 4 likha hua hai to hum usko suddenly 4x plus 8 nahi likh denge apni marzi se. Agar aisa likhte hain to 2 se divide bhi karna padega. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे मामला, लेकिन इसको देख करके एक चीज तो फीलिंग आ रही है कि ये जो x पावर 6 है ना, इसको हम x पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो 8 है ना, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. इसमें मेरे ख्याल से किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. क्या कहते हो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद इश्यू ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर हमें लगाना है, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर हमें लगाना है इसमें, तो और उसके बाद माइनस थ्री ए बी सी भी होना चाहिए, थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी. मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर, एक सेकंड देखना, मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, देखना सभी बच्चे बॉक्स को देखना, ये ए क्यूब है, ठीक है, ये हमारा ए क्यूब है, यहाँ पर बी क्यूब है और यहाँ पर सी क्यूब है, और माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लिया जाए, मेरी बात सुनो, तो क्यूब रूट ऑफ 5x की पावर 3 लोगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन जाएगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बनना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को? सर मतलब वो उसका डाउट था, वो समझ गया होगा, जिसने ये बोला ना गलत आंसर दिया था वो समझ गया होगा. तुम छोड़ो, रहने दो, तुम कंफ्यूज मत हो उसके चक्कर में, ठीक है. हमें हमें बेसिकली ना इस फॉर्म में लाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्म में अगर हम ले आते हैं, तो हम जानते हैं ना इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है. इसको हम जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये होता है ना, तो हमें बेसिकली इस फॉर्म में लाना है, ये इस फॉर्म में लाना है हमें. और उसमें मुझे एक बात तो दिख रही है कि भाई ए क्यूब क्या है, ए क्यूब दिख रही है मुझे, क्या है, एक्स स्क्वायर है. अगर मैं ये जो बॉक्स है बेटा, देखना यहाँ पर जो ये बॉक्स है, मैं बॉक्स के जगह पे क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 3 लिख दूं, ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब डाल दिया है, ठीक है. और हमारा है कितना ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है, ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है उसमें 5x पावर 3 है, समझ रहे हो, और ये माइनस कर दिया मैंने एक्स क्यूब, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 6x क्यूब होना चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ पर भी जो ये बॉक्स है,
इस बॉक्स को हटा करके मैं क्या कर देता हूं, यहां पर माइनस एक्स कर देता हूं। इसको अब ध्यान से देखो सभी बच्चे इसको अब ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। x पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8 को मैन्युपुलेट करके x स्क्वायर का क्यूब प्लस माइनस x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस 2 लिखा जा सकता है। आप इसको चेक करके देख लो, इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो आपका वही ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर एक्सप्रेशन x पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8 यही आ जाएगा। कैसे, x स्क्वायर का पावर 3 कितना होता है, x पावर 6 होता है, ये माइनस x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस x क्यूब ही होगा, प्लस 8 हो जाएगा। और ये ध्यान से देखना, ये माइनस का साइन यहां लगा हुआ है और यहां पर भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस बेसिकली क्या बन जाएगा, क्या कह रहे हो x पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8 आ जाएगा, ये आ गया। सो मतलब हम मैनिपुलेट करके हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम। सर लेकिन माइनस x हमने अपनी तरफ से लिया है, माइनस x क्यूब क्यों लिया हमने अपनी तरफ से, तो सर मतलब सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन उसके लिए माइनस x। इक्वेशन तो ये है ही नहीं, सबसे पहली बात इक्वेशन तो है ही नहीं सर, मतलब जो वो लग जाए। कैसे बोलो, सही सही बोलो, सोच के बोलो और क्लियरली बोलो सर। मतलब हमने माइनस एक्स की पावर 3 इसलिए लिया ताकि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सके। कौन सी प्रॉपर्टी सर, जो आपने बताई अभी, a क्यूब प्लस b क्यूब। बिल्कुल, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यूब को माइनस एक्स क्यूब कैसे लिख देंगे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, ये माइनस एक्स क्यूब लिखा है और ये जो जबरदस्ती डाल दिया ये कहाँ गया, ये बैलेंस कर रहा है ना इसको, अरे करो तो सही, सिंपलीफाई करके दिखा तो दिया अभी कि ये वही आ रहा है, ऊपर वाला ही आ रहा है। 5x क्यूब को माइनस एक्स क्यूब कैसे लिख देंगे, ये तो मैं भी जानता हूं, और तभी तो कहा मैंने कि ये हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बना रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें मैं चलो एक काम करता हूं, इसको मिटा करके ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना किया था, लेकिन समझाए बिना मैं तुम लोगों को लिख के दिखा देता हूं। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बैलेंस है अभी, सबको दिख रहा होगा बैलेंस है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ना, ये हवा में चल रही है चीजें, मतलब ये मैं इसको अब जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, जो पिछले स्टेप में मैंने लिखा हुआ था मैं उसको जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन यहाँ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये सबको दिख रहा होगा बट ये लिखना टफ है, मतलब ये अचानक से दिमाग में कहां से आएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यही समझ में आ रहा है तो यही मैं समझा देता हूँ, ये कह सकते हैं शॉर्टकट है या कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं मैं हवा में समझाए बिना। ये क्यों लिख देंगे, कोई बच्चा पूछेगा कैसे लिख देंगे, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बनाना है। बाय द वे देखो ध्यान से देखना, क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये प्लस 8 वाला नहीं आया, इससे पहले वाला समझ आ गया था ये भी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ अब तुम अरे 8 का तो 8 ही लिखूंगा ना मैं, 8 को क्या, 8 को कहां गायब कर दूं मैं, 8 को तो 8 ही लिखूंगा, अब वो इधर लिख दिया है, ठीक है। हां 8 गायब थोड़ी हो जाएगा, 8 जैसा है वैसे ही, मैंने कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है, मैंने बस ट्विस्ट थोड़ा सा ये किया है कि ये जो 5x क्यूब था ना ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, वो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x क्यूब लिख दिया उसको बस, और उसके बाद देखो और x पावर 6 को x स्क्वायर का क्यूब लिख दिया। सुनो ध्यान से सुनो, अब नहीं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, x स्क्वायर का पावर 3 लिख दिया इसको, फिर ये x क्यूब को लिख दिया माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स की पावर 3, कोई इशू नहीं होना चाहिए, फिर एक्स 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और फिर ये 6x क्यूब है ना, 6x क्यूब को माइनस 3x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इंटू 2 लिख दिया, ठीक है, यही चीज हमने कर दिया। अब ये मैनिपुलेट हो गया, अब ध्यान से तुम देखो, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर तुम्हारा ए है, माइनस एक्स तुम्हारा बी है, और 2 तुम्हारा c है, तो ये a प्लस b प्लस c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन गया कि नहीं बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन
गया कि नहीं बन गया, अब इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये ए बी सी क्या है, ध्यान से देखो, ए है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, बी है माइनस एक्स, सी है टू, तो ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब फोर, फिर माइनस ए बी का मतलब माइनस एक्स क्यूब, माइनस सॉरी प्लस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा भाई, क्योंकि ये पहले से ही माइनस है, ठीक है। माइनस बी सी का मतलब हुआ, हाँ क्या कह रहे हो? That please let me in the meeting. Let me in the meeting. You are already in meeting, yaar. Sir, my second phone. Second form? Sir, my first phone की charging low हो गई है, इसलिए मेरे को second phone में चलाना पड़ा है इसलिए. Okay. हाँ तो बोलो ना, इसमें देखो कौन है, academic से कौन है यहाँ पे? Sir, हो गया हो गया. आ गया? ओके हो गया बेटा, यही करना था। इसको चाहो तो तुम अरेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पर एक जगह माइनस आना चाहिए था, वो माइनस नहीं आया। कहाँ पर? यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, है ना? सॉरी, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। हाँ तो इसको चाहो तो तुम अरेंज करके लिख दो, अच्छा दिखेगा। तो फिर वैसे ये भी आंसर सही है, अरेंज का मतलब है कि x की पावर 3 को पहले। हाँ क्या हुआ? यही आंसर है बेटा। हाँ सर, अब आ गया। सेकंड लास्ट स्टेप बता दीजिए। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्म में चेंज करना था। तो ये यहाँ पर ट्रिक ये था बेसिकली कि माइनस ये फाइव एक्स क्यूब को हम अगर माइनस एक्स क्यूब और प्लस सिक्स एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर दें, मतलब उसको स्प्लिट कर दें, तो फिर वो ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जैसा बन जाएगा। और फिर फैक्टराइज करना तो हमें पता है कैसे करते हैं इसको। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा एक बार ट्राई करना बेटा सभी बच्चे, ठीक है? सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। सेकंड लास्ट स्टेप ये क्या, ये रिपीट क्या करना है इसमें? ए ये इसमें पहचानना है ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर, बी है माइनस, बोलो बोलो कुछ नहीं सर बताइए। ए है एक्स स्क्वायर, बी है माइनस एक्स और सी है टू, ठीक है। पहचानना इसमें यह है कि ए है एक्स स्क्वायर, बी है माइनस एक्स और सी है टू। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। बस वही पुट कर दिया, वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद पहचानना उसमें है कि ए क्या है, ठीक है। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रख दिया, बी है हमारा यहाँ देखो बी है हमारा माइनस एक्स तो माइनस एक्स रख दिया, सी है हमारा टू तो टू रख दिया सी की जगह पे, फिर ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होगा तो एक्स एक्स पावर फोर, बी स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर का मतलब टू का स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, माइनस ए बी का मतलब होगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स जो कि माइनस एक्स क्यूब होता है, लेकिन माइनस ए बी है इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर माइनस बी सी होता है तो माइनस बी सी का मतलब माइनस ऑफ माइनस टू एक्स, क्योंकि एक्स इन इंटू टू है ना, एक्स इंटू टू माइनस एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स होगा तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, फिर एसी एसी का मतलब टू इंटू एक्स स्क्वायर और वो माइनस साइन के साथ तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए है ना, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करना चाहिए, पहचानना इसमें था कि ए बी सी क्या है। लास्ट क्वेश्चन करो। कुछ बच्चों ने आंसर दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन का। सर एक सेकंड स्क्रॉल कर देना। सर मतलब जो सर सबने दे दिया, सबने आंसर दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, सबने कहा दिया, बहुत सारे बच्चों ने, कहो तीन चार बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, देखो बच्चों। हाँ नहीं सर वो ऊपर है। हाँ क्या ऊपर है? ओके मुझे अब दिख रहा है, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, देखो
जिसका नहीं आया देखो आंसर, इन दोनों को क्लब कर दो, x पावर 8 दोनों में कॉमन है, पहले दो टर्म्स में x पावर 8 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 6, नेक्स्ट दो टर्म्स में माइनस 2 x पावर 6 को कॉमन ले लो तो x माइनस 6 बचेगा, फिर x पावर 7 और 7x क्यूब, इस 7x क्यूब को ना ब्रेक करके लिख दो, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ध्यान से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके का कुछ, है ना, ये आपका क्या बन गया f ऑफ x, f ऑफ x, अब निकालना क्या है आपको f ऑफ 6, f ऑफ 6 देखो ध्यान से, 6 माइनस 6 जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो पूरा जीरो पूरा जीरो, 6 माइनस 3 आएगा फाइनली, तो ये 3 आंसर आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, क्या किया हमने इसमें कॉमन ले लिया है सारे दो टर्म्स जो है फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x पावर 8 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बच जाएगा, और फिर x की जगह पे 6 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, आसान है करना, और वैसे अगर वैल्यू पुट करें तो 6 पावर 9 निकालना पड़ेगा, 6 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 6 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये तरीका सही तरीका है। सर ये ऐसी बात नहीं है, निकालना नहीं पड़ेगा है? निकालना जैसे सर देखिए 6:9 है माइनस 6 into 6:8 तो वो हो गया 6:9 तो ये दोनों कट गया, फिर माइनस 2 6:7 प्लस 12 6:6 सर 12 को होता है 6 × 2 तो हो जाएगा 2 × 6:7 तो ये भी कट जाएगा है ना, अब हो गया x^4 माइनस 7x³ प्लस 6x² सर इसमें इसमें भी कट जाएगा माइनस 6 जैसे देखिए सर अगर हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब को देखिए 6 × 6^2 तो ये हो जाएगा 6³ माइनस 7x³ प्लस 6³ तो सर वो हो जाएगा हमारा 6 × 6^4 सही तरीका है 7+1 माइनस 6 हुआ है ना सही सही हां जब अंदर चला गया तो वो हो गया और 6 माइनस 3 3 आ गया तो हमें ब्रैकेट में लेने की जरूरत क्या है तो बहुत आसान है हाँ वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है वैसे भी कर सकते हैं बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी 12x^6 है ना यहाँ पर हम अगर 6 की जगह पे रखें तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी बाकी सारे टर्म में तो हम देख सकते हैं उस तरीके से कैंसिल हो रहा है ठीक है वैसे यहाँ पर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वेरी गुड 7 वाले में दिक्कत हो सकती थी सर हाँ दो क्वेश्चन वालों में दिक्कत नहीं होती वैसे 6 ऐसे 6x² है तो 6 × 6 × 6 हो गया 6³ और सर अगर हम लोग यहां पे 6³ को ले लेते a तो -7a + a -6 से हुआ है ना मतलब -6 × 6 × 6 × 6 मतलब -6^4 हो गया तो 6^4 -6^4 और जो 12 × x^6 तो सर 12 का होता है 6 × 2 तो हो जाता 2 × 6 × 6 × 6 सही तरीका 2 × 6 × 7 बिल्कुल 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 सही तरीका है वेरी गुड ऐसे सही तरीका है तुमने भी बिल्कुल सही सोचा है ठीक है नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं दो क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कोई भी बच्चा आंसर देख के आंसर मत लिख देना ठीक है सॉल्व करना नहीं पूछूंगा मैं जो भी आंसर लिखेगा मैं उससे प्रोसेस भी पूछूंगा कैसे किया है स्टेप समझाओ सो ट्राई इट है ना ट्राई करना इंपॉर्टेंट है लर्निंग इंपॉर्टेंट है सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने थिंकिंग कैपेसिटी को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है आंसर देख के लिखने से क्या ही फायदा है ना कोई फायदा नहीं
आज हम लोग थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग बेसिक्स वाले पार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स कहाँ से क्वेश्चन आ गया? फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, फैक्टराइज करना है इसमें। हाँ, इसमें वो सिक्स को फैक्टर्स पे चेक करके देखो कौन सा होगा। वन आंसर बता रहे हैं कई सारे बच्चे। ज्योति कपूर बताओ बेटा कैसे किया है। सर मैं बताऊं? तुमने आंसर निकाला है? यस सर, मैंने आंसर करके निकाल दिया है। बोलो कैसे किया है? सर देखिए, क्वेश्चन नाइन्थ में हमें गिवन है ए बी और सी का सम, उनके स्क्वायर्स का सम और उनके क्यूब्स का सम। तो सर हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पहले ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर इससे हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर इसको हम जब सेकंड आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी वाली आई थिंक तुम रहने दो, मैं समझ गया, तुमने सही सही किया हुआ है। इतना सफिशियंट होता है समझने के लिए, ठीक है? इतना सफिशियंट है कि तुमने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, ठीक है? तो बिल्कुल सही किया हुआ है तुमने, आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही। टेंथ क्वेश्चन करें सभी बच्चे, जिसका नाइन्थ नहीं आया है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं नाइन्थ क्वेश्चन कैसे होगा। ए प्लस बी प्लस सी वन दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बच्चों, लेकिन आप ये आसानी से कर सकते हो, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। सर इज इक्वल्स टू माइनस एट कैसा आया? हाँ कौन सा सर? फर्स्ट इक्वेशन में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है ना, 9 दे रखा है। देखो ना क्वेश्चन में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है, 9। जब 9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस 9 कितना होगा, 8। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो तुमने अगर ट्राई किया हुआ है तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, अगर तुमने ट्राई नहीं किया है, ट्राई से मेरा मतलब है कि एफर्ट लगाना, एफर्ट लगाया है तो जल्दी समझ में आएगा, एफर्ट नहीं लगाया है तो देरी से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी वन दे रखा है, हमने क्या किया दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं पता है, इसलिए क्योंकि उसकी जरूरत वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्क्वायर किया है दोनों साइड में। अब जब बेटा इन दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स अच्छा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और राइट हैंड साइड में वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। तो यूज करेंगे ना क्वेश्चन में, ये सारी चीजें यूज की जाएगी, तो ये यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बेटा 9 रख दिया हमने, और उसको हमने क्या किया राइट साइड में वैल्यू ले जाएंगे तो 9 1 माइनस 9 ए माइनस 8 हो जाएगा, और फिर 2 से कैंसल आउट भी कर देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास आ जाएगा माइनस 4 के बराबर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा माइनस 4 के बराबर। अब देखो एक बात और, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पर ऊपर टॉप पे तो 1 रख देंगे, 3 ए बी सी की जगह पे 3 ए बी सी छोड़ देंगे, और एक मिनट ये ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर ना ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है तो 9 रख देंगे, और ये ना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, मतलब माइनस साइन के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो माइनस 4 है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसलिए वो प्लस 4 बन जाएगा, तो 9 प्लस 4 आ गया आपके पास 13, और 13 इनटू 1 क्या होगा 13। हाँ बोलो सर, एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दो दोबारा सर, मेरा अभी एक मिनट पहले नेट चला गया था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में प्रोविजन से फर्स्ट में पहले मैंने स्क्वायर किया है बच्चे, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 के बराबर हो जाएगा, और फिर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो 9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू माइनस 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सेम लॉजिक से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी कर दिया है तो वो आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे आपको 1 माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू 13 मिल जाएगी, और फिर 3 एबीसी की वैल्यू -12 हो जाएगी, और एबीसी की वैल्यू -4 हो जाएगी। फिर अब जो निकालना है उस पे आते हैं, हमें निकालना है 1/a 1/b 1/c का सम, तो एलसीएम लेंगे तो एबीसी आएगा, 1/a + 1/b + 1/c का एलसीएम क्या होगा एबीसी, फिर क्या ऊपर में बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, और ये सारे वैल्यूज आपको पता है, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी आपको पता है कितना है -4 है, और ए बी सी की वैल्यू भी पता है आपने अभी अभी निकाला है -4 है, तो -4/-4 1 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है, जिसको नहीं आया समझ में वो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना दोबारा, ठीक है, और खुद से भी एफर्ट लगाना, तब भी रिकॉर्डेड वीडियो देखने से ऐसा नहीं है, ये मैंने कहा ना कोई इंजेक्शन नहीं है कि लो भाई बुखार आया इंजेक्शन लगा दिया बुखार उतर गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पेन लेना पड़ता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब चीजों को आप सीख पाओगे समझ पाओगे, है ना। अब बिल्कुल सोचोगे कि एकदम बिल्कुल कोई ऐसे किताब को ना पानी में डाल दिया, मिक्सर में डाल दिया, ग्राइंडर में डाल दिया, आर डी शर्मा एनसीईआरटी, और उसको पूरा मिक्सर ग्राइंडर में घोट के पी गए, ऐसे थोड़ा ना वो सारे फार्मूला दिमाग में उससे सेट होगा, उसके लिए आपको एक स्लो प्रोसेस है, उसमें आपको गुजरना पड़ेगा, उससे एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो जिसको नहीं आया समझ में एक बार आप वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, और वहां पर भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो देख के भी 100% समझ में ही आ जाएगा, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा तब भी। क्वेश्चन नंबर 10 करो सभी बच्चे। अभी क्या बोला मैंने समझ में नहीं आया तुम्हारे,
रिकॉर्डेड वीडियो देखना, ठीक है? मैं एक ही चीज को चार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसे करूंगा तो पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा फिर। सर क्वेश्चन नंबर 10 में दिए ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, लेकिन डी तो है ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में। हाँ एबीसी की बात हो रही है, एबीसी डी गलती से लिख दिया है, एबीसी है। ओके सर। थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है उनके लिए। आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू भी दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो टू दिया हुआ है, इनफैक्ट सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो सिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा इससे देखो, ए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, क्या फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है याद कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। तो इसमें एक्स की जगह पे ए स्क्वायर है, वाई की जगह पे बी स्क्वायर है, और जेड की जगह पे सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा बेटा ए पावर फोर। फिर क्या आएगा बच्चों, बी पावर फोर। फिर क्या आएगा सी पावर फोर। फिर क्या आएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या आएगा टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, टू टू टाइम्स, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। अब यहां से एक देखने वाली बात यह है कि हमें ये चाहिए, ये वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर फाइंड करना है। ये तो अभी के अभी सॉल्व हो जाता अगर हमें ये वैल्यू पता होता तो, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अगर हमें पता होता तो ये तो अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर। बट क्योंकि ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी एस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यस सर। यस सर, समझ भी आ गया और आंसर भी निकल गया। हाँ ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। देखो अब क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, टू दे रखा है, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये किसके इक्वल होगा फोर के इक्वल होगा। आई होप समझ में आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, मत पूछना कि ये कैसे आ गया, है ना, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है देखो उधर क्या दे रखी है क्वेश्चन में, सिक्स, ठीक है क्वेश्चन में देखो सिक्स दे रखी सर, मैं है। अभी क्या क्या बताया, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं लीव हो गया था तुम चैनल। पढ़ोगे तो भी बेटा समझ में आ जाएगा, तुम पढ़ो तो सही, ऊपर क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी टू है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है स्क्वायर दोनों साइड में करना, और स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी सी ए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर
स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब मैं किसी को इस बात के लिए एंटरटेन नहीं करूंगा कि मेरा नेटवर्क चला गया। अगर सोचो कि हर एक बच्चा कहेगा एक एक मिनट पे कि मेरा नेटवर्क चला गया, 40 बच्चे हैं तो इस तरीके से 40 मिनट 45 मिनट, तो और मैं एक चीज को एक्सप्लेन करने में 1.5 मिनट लगाऊंगा तो हो गया 90 मिनट मेरा इसी में जाएगा कि भाई हर एक बच्चे का एक एक मिनट के लिए नेटवर्क गया हुआ है। और जरूरी नहीं है, किसी बच्चे का हो सकता है 4 मिनट के लिए भी नेटवर्क चला जाए, तो इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो को ताकि आप दोबारा भी देख सको। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा आप समझो, है ना। वैसे तो अभी बहुत छोटे हो लेकिन इतना समझ सकते हो आप लोग, है ना, कि ये अगर हम इस तरीके से इंटरटेन करेंगे हर एक बच्चे का कि डॉट ये इंटरनेट चला गया, तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाएंगे, फिर तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, और ये वैसे भी समझ में दिख रहा है साहब साहब मैंने क्या किया, स्क्वायर करने पर क्या होता है आपको सबको पता है, ये रिजल्ट आएगा। अब एक बात और कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये 6 है, तो यहाँ पर 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, और 4 माइनस 6 क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता नहीं है बल्कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 6 है ये। ठीक है, तो 4 माइनस 6 है ना, तो आपके पास बेटा क्या आ गया देखो ध्यान से, ए बी प्लस 2 टाइम्स AB + BC + CA की वैल्यू आ जाएगी -2, मतलब AB + BC + CA क्या हो जाएगा बच्चों, -1। क्यों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमने खाली AB + BC + CA निकाला है, रुक जाओ। अब अगेन इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा, ये क्यों कर रहे हैं हम, मत भूलना बच्चों मेरे कि हम लोग ये निकालने के लिए, इस स्टेप में देखना यहां पर, ये निकालने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं अभी। तो अभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है बेटा, तो अब आपको फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप स्क्वायर करोगे इसको दोबारा तो देखो क्या होगा, ये आपका एक्स है, बी सी आपका क्या है वाई, और सी ए क्या है Z, तो A plus, X plus Y plus Z का whole square बनेगा। तो क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी बच्चे अपने मन में कैलकुलेट करो कि क्या होगा, A square B square होगा, फिर B square C square होगा, फिर C square A square होगा, फिर 2 times AB square C, ठीक है, plus 2 times BC square A, माइक बंद करो बेटा, किसी का माइक ऑन है, 2 times A square BC is equal to 1, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। वेट, यहां पर आने के बाद हम लोग थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये 3 टर्म्स जो एंड के टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में जो बच्चे अलर्ट होंगे वो मुझे अभी अभी बता देंगे कि क्या कॉमन है। 2ABC. देखा, 2ABC. कुछ बच्चों का आंसर इतनी जल्दी क्यों आया है, और कुछ और कुछ बच्चे अभी करेंगे क्या पूछा क्या पूछा, समझ में नहीं आया, है ना, ऐसा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है, तो वो अलर्ट नहीं है, तो आई एम हैप्पी कि कुछ बच्चों को दिख गया होगा, ये अलर्ट है तो उनके समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 2ABC कॉमन है, और 2ABC कॉमन है तो इसमें क्या क्या बचेगा बेटा, बी, इसमें क्या बचेगा सी, और इसमें से क्या बचेगा ए, और इक्वल टू 1 का 1 1 का 1। और अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें अगले स्टेप में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को फिर से ऐसे ही छोड़ दो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी, और एक मिनट अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ऊपर जाओ, एबीसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, देखो एबीसी की वैल्यू दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, ओहो हो हो, एबीसी की वैल्यू फिर से नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो एबीसी की वैल्यू यहाँ पर आकर के हम फिर अटक गए, एबीसी की वैल्यू हमें, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, रुक जाओ, अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स एबीसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 दे रखी है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 का 1 है। एक काम करते हैं, ये स्टेप हमें लेना पड़ेगा कि एबीसी की वैल्यू क्या है। ठीक है, एबीसी की वैल्यू भी पहले हमें फाइंड आउट करनी चाहिए थी, तो एबीसी की वैल्यू के लिए एक स्टेप और लगेगा, वो क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये क्या होता है सबको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है फार्मूला। अब इसमें आपको सब कुछ पता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है, कितना है 8। क्या नहीं आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, सिक्स। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर माइनस वन, ये देखो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। और यहाँ के बाद मैं थोड़ी सी ये लिबर्टी ले सकता हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दूं, 3abc की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर 617 और 72 जा 14 और 14 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस सिक्स हो जाएगा, है ना। मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि शॉर्टकट लगा दिया, 6 प्लस 17, 72 जा 14, 14 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 8 माइनस 14 माइनस 6 होगा, और abc की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स टू, यहाँ पर रख दिया वैल्यू, एबीसी की वैल्यू माइनस टू रख दिया हमने, वन के बराबर होगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये टू टू जा फोर टू जा एट है और माइनस एट, और राइट हैंड साइड में जाके प्लस एट हो जाएगा, तो प्लस एट प्लस वन कितना होगा, नाइन के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास आ गया, और इसको अब क्या करना है, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन वन में, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो घबराना मत, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तब अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लेना एक बार। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था ये 36, वेट एक सेकेंड, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, जिसको समझ में नहीं आया उनको लिए फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर प्लस टू टाइम्स नाइन इज इक्वल टू 36, और ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर प्लस 18 इज इक्वल टू 36, और a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 18। देख रहे हो कितना लिखना पड़ता है, ये गलत बात है, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 इज इक्वल टू 18, ये आ गया आपके पास। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, देखो जिसको समझ में नहीं आया मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको कुछ चीजें दी हुई थी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, और निकालना था ए पावर फोर बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर का सम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आपको सिक्स दे रखा है बच्चों, उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो मैं रेड पेन यूज करता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए मुझे, एक मिनट। तो स्क्वायर जब करेंगे हम यहाँ पर ए पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो पता है फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से जो आइडेंटिटी होती है उसके हिसाब से ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी टू दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो टॉप पे ना क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी टू है, तो ए प्लस बी प्लस सी टू है तो फिर से दोबारा इसका भी स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में एलएचएस आरएचएस दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी बी सी सी ए फोर के इक्वल आएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, सिक्स। तो बच्चों अगर सिक्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो फोर माइनस सिक्स हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स का मतलब माइनस टू, ठीक है, और ये टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो है ही, अब ये माइनस टू है और इधर टू है, टू से टू कैंसल आउट होकर के ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास माइनस वन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को फिर से दोबारा स्क्वायर करना है बोथ साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हमने माइनस वन निकाला है इसको दोबारा स्क्वायर करना है, जिसमें कि आप समझ सकते हो कि ये आपका एक्स है, ए बी आपका एक्स है, बी सी आपका वाई है, और सी ए आपका जेड है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाओ, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू
एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से एक्सपैंड होकर के ये आपके पास रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। एक मिनट, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर को तो एज इट इज छोड़ देंगे, और इन तीनों टर्म्स में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में ध्यान से अगर देखें तो टू ए बी सी कॉमन है। क्या हुआ, टू ए बी सी कॉमन है तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी प्लस ए बचेगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो वन था तो वन ही रहेगा। फिर इसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए है, b प्लस सी प्लस ए का मतलब a प्लस बी प्लस सी, बात एक ही है, b प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी प्लस सी एक ही बात है, वो वैल्यू तो पता है हमें, देखो टॉप पे, टॉप पे देखो, ये देखो a प्लस बी प्लस सी टू दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, a प्लस बी प्लस सी टू दे रखा था, तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे तो टू पुट कर दिया, ये लो टू पुट कर दिया देखो यहाँ पे, बट ए बी सी की वैल्यू फिर से छूट गई, निकालना पड़ेगा हमें। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये इस आइडेंटिटी से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी की आइडेंटिटी से ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, तो उस आइडेंटिटी में पुट कर दो, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको पता है एट है, थ्री ए बी सी तो नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ए प्लस बी प्लस सी पता है आपको टू रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिक्स है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो यहां से रखेंगे, देखो ये रहा, ये रही वैल्यू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रख देंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि माइनस टू के बराबर होगी। कैलकुलेशन कर रखा है तो आप लोग देख सकते हो, खुद से भी समझ सकते हो इस चीज को, कैलकुलेशन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एबीसी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। अब ये जो एबीसी की वैल्यू माइनस टू आई है ना, वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, देखो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में एबीसी की जगह वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी सी टाइम्स टू, इस इक्वेशन में एबीसी की जगह पे माइनस टू सब्सटीट्यूट करना है, और फिर उसके बाद सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये देखो ना, मैंने एरो से दिखा रखा है, ये एरो से दिखा रखा है कि ये वैल्यू के बाद मैंने क्या किया है, इसकी जगह पे माइनस टू पुट कर दिया है, माइनस टू किसकी जगह पे, एबीसी की जगह पे, तो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर का सम आ जाएगा जो कि नाइन के बराबर होगा। और फिर हम वापस आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो फाइंड करना था हमें, ये ए पावर फोर बी पावर फोर सी पावर फोर का सम फाइंड करना था, और इसी इक्वेशन में, इक्वेशन वन में अगर आप देखो, इक्वेशन वन ये था हमारे पास, इक्वेशन वन ये था हमारे पास, इस इक्वेशन वन में ये था हमारे पास बेटा इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन में आपको इसकी जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर ए स्क्वायर के सम की वैल्यू नाइन पुट कर देना है, और आपके पास फाइनली ए पावर फोर बी पावर फोर सी पावर फोर की वैल्यू सम जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया है तो वो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना, और फिर उसके बाद ना खुद से भी कैलकुलेशन करना कि क्यों हुआ है। अब जैसे कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर ये नाइन कैसे हो गया, अरे भाई देखो तो सही, ये टू टू जा फोर टू जा एट है, टू टू जा फोर टू टू जा फोर टू जा एट है, और माइनस एट है, इनफैक्ट ये माइनस का साइन भी है, और राइट साइड में जाएगा तो माइनस एट का प्लस एट बन जाएगा, और वन वन ऐड होगा तो नाइन हो जाएगा। तो ये चीज मुझसे पूछने की बजाय आप अगर खुद आंसर निकालोगे ना, तो आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हाँ मैंने खुद से समझाया इस बात को, ठीक है। ये नहीं कि कैसे हो गया बताओ, सारी बातें बताओ मुझे क्यों हो गया, आंसर खुद से भी ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए। तो आप जब ये वीडियो देखोगे, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हेवी हो गया, हम लोग एंड करते हैं क्लास का, जब एंड करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ आसान क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, हालांकि टफ नहीं कहूंगा मैं, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था इस क्वेश्चन में। तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना जिनको समझ में नहीं आया है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा, खुद से भी एफर्ट लगाना। अब एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस के, जो थोड़े इजी होंगे। सर मेरा एक डाउट था सर, आप प्लीज वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक मिनट। यस सर आप लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यस सर इस पूरे एक्सप्रेशन का टू द पावर 25। पावर 20 ऐसे है, सही है। यस सर और अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन वी विल एक्सपैंड दिस व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म। 3 पावर 25। देखो जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे ना तो होगा क्या, ये कुछ तो a1 आएगा,
और एक्स की पावर 50 होगा, फिर ए टू आएगा, या ऐसे लिख दो ए पावर 50 और ए 50 और एक्स पावर 50 होगा 49, इस तरीके से होगा, इस तरीके से चलता जाएगा, समझ रहे हो? एक्सपैंड करेंगे तो यस सर, मेरा भी यही आ रहा था, लेकिन आंसर में लिखा हुआ था 3 to the power 25 + 1/2। हाँ रुक जाओ, तो अब इसमें क्या होगा कि x की जगह पे दोनों साइड में 1 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर 25 और इक्वल टू होगा a 50 प्लस a 2 a a 49 सॉरी, और ऐसे ही ये सारे कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा, a a 0 तक जाएगा। तो तुमने क्या पूछा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ना सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पूछा है ना तुमने, यही पूछा था सर, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स यही है ये। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, सर स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक है रुक जाओ अभी, अभी आएगी स्क्रीन, अभी आएगी, अभी आएगी, रुक जाओ ना, अब आ गई, ये मैंने मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन से लिया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो अनलाइक लास्ट क्वेश्चन ये उतना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर 0.5। ओके अभी चेक करते हैं, यस सर 0.5 इज द आंसर। आई होप कि सही आंसर होगा, क्योंकि दो बच्चों ने जब सेम आंसर दिया है तो इसका मतलब सही होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से इस तरीके से कर सकते हैं कि एलसीएम ले लें इसका, x माइनस 1 बाय x जो 3 दिया हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं x एलसीएम आ जाएगा और फिर x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है, और फिर आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बेटा 3 के बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा आई एम सॉरी, और फिर x स्क्वायर ये ना ये जो है ना ये 3x में से एक काम करो माइनस x को इधर ले आओ और 2x को उधर ही छोड़ दो, ऐसा इसलिए किया है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया है, और फिर ना ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x को आप 2 लिख सकते हो, है ना, ये x जब डेनोमिनेटर में आएगा तो इधर 2 बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगा कैसे करते हैं, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने का मतलब है ये x न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में है वो चीज डेनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये आंसर आ गया 1/2 का मतलब, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको, यस सर वेरी वेरी क्लियर, यस सर, ओके सर 2x कैसा आया, सोचो कैसे आया, आ गया, ऐसे नहीं पूछना चाहिए ना, कुछ भी पूछते हो ठीक है, पहले अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, मैं तब से यही तुम्हारे लिए तो चिल्ला रहा हूँ तब से कि कोशिश करो लड़ते रहो क्वेश्चन के साथ, तभी तो लर्निंग होगी ना, लर्निंग डबल होगी उससे, और मैं बता दूंगा तो उससे लर्निंग तुम्हारी किल हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बच्चों बस इतना ही आज के लिए, इतना ही, अगली क्लास में हम लोग आगे का करेंगे इसमें, ठीक है, आप लोग भेजेंगे आप, हाँ
कल की क्लास में, कल कल भेजेंगे डीपीपी, ठीक है। अभी मॉड्यूल करना, मॉड्यूल मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, लेवल 1 सब्जेक्टिव, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, तो वो सारे क्वेश्चंस करना। लेवल 1 सब्जेक्टिव होगा, फिर लेवल 1 ऑब्जेक्टिव होगा। लेवल 2 तो हमने कर ही लिया है आज, ऑलमोस्ट लेवल 2 के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन थे आज हमने देख लिए हैं। लेवल 1 इजी क्वेश्चन है उसमें, वो आप लोग डेफिनेटली करना, और वो आप कर लोगे, सबके सभी बच्चे कर लोगे उसमें से। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। सर एक बार इसका लास्ट पॉइंट समझा दो सर, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अरे रेसिप्रोकल कर दिया भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम। नाइट सर। गुड नाइट।